जोहार नमस्कार, मेरा नाम भोजो सिंह बन रहा है। मछली पालन के लिए ठीक है का कॉलम यानी कि क्राफ्टिंग कैसे मशरूम उत्पादक जोड़ लेंगे। सरायकेला खरसावां के कुचाई में भीषण दुर्घटना में कुचाई प्रखंड के वीडियो साहब साधुचरण देवगम जी और मेरे साथी भंजो सिंह बनरा जी का भीषण दुर्घटना हो गई और मेरे साथी भंजो सिंह बनरा का मौके पर ही देहांत हो गए। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है और भंजो सिंह बनरा जी वर्तमान में वो हमारे आदिवासी बहुउद्देश्य उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड के जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है और हमारे इस संस्थान में बहुत कम समय में अपना सक्रियता कार्य दिखाकर उन्होंने काफ़ी हमारे समिति के लोगों को प्रभावित किया था और कई कार्य किए थे। इसके साथ ही वे प्रगतिशील किसान और किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रहते थे, साथ ही अपने शिक्षा क्षेत्र में भी अपना काफ़ी योगदान दिए थे। ये हमारे लिए बहुत ही छाती हुई है और हमारे दिल में हमेशा के लिए एक याद बनकर रह जाएगी। आज हम लोग अपने भाई भंजो सिंह बांद्रा के इस अंतिम यात्रा में हम लोग शामिल हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं ये सब भंजो के चाहने वाले लोग हैं। हम लोग भी उसके प्यार और मोहब्बत से ही खींचे हुए यहाँ आए हैं आज उसके अंतिम दर्शन के लिए। भंजो से आज से लगभग 10 साल पहले उससे जो मुलाकात हुई और उसके व्यवहार, प्रेम और मुस्कुराहट ने ज़िंदगी भर का रिश्ता बना दिया। भंजो से जब भी मिलते थे तो हमेशा मुस्कुराता हुआ एक आदमी आपके सामने होता था और जब उसके नज़दीक हुए तब पता चला। आज इस बीहड़ में आकर पता चलता है कि कितने मुश्किलों से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, हमेशा अभाव में रहता था। इस अभाव के बावजूद उसके पास हमेशा दूसरों के लिए बेहतर करने के लिए जज्बा था, हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए उसके दिमाग में लक्ष्य होता था, प्लान होता था और हमेशा जब कभी मिलता था तो वो बताता था कि दादा ये करने वाले हैं, दादा वो करने वाले हैं। और जब कभी हम लोगों ने उसको याद किया किसी भी प्रोग्राम के लिए, जितने भी बीहड़ में जाए भंजो हमेशा तैयार होता था। जिससे भी मिला पहली बार में उसने उसको अपना बना लिया। आज आप देख रहे हैं कि ये जितनी भीड़ है यहाँ पर,
एक साधारण अभाव में जीने वाला लड़का मात्र 35 साल की उम्र में हम सबको अलविदा कह के चला गया। हम सब उससे ये सीख सकते हैं कि कैसे अपनी असुविधा के बावजूद भी दूसरे को सुविधा संपन्न कराने के लिए संकल्पित। आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे अबूसेल के लड़के हैं, वो इस समाज को बेहतर करने के लिए, समाज को प्रगति पे लाने के लिए लगातार जूझता रहा और उसने अपने मिशन को अधूरे छोड़कर चला गया, हम सबको अलविदा कर गया। आज हम सब उसको अंतिम जोहार देने आए हैं। अब हम लोगों पे ये जिम्मेदारी है कि उसके जो बचे हुए सपने हैं, उसके जो बचे हुए लक्ष्य हैं, उसको कैसे हम लोग पूरा करें। आज हम लोग उस दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए सिंह बोंगा से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहे अपना उत्साह, अपनी मुस्कुराहट हम सब पे बरसाते रहे, हम सबको हिम्मत दे कि उसके बचे हुए सपने को, उसके अधूरे सपने को हम लोग पूरा कर सकें। अंतिम जोहार भंडू भाई, अंतिम जोहार।